आज तय होंगे एमपी कांग्रेस के 18 लोकसभा उम्मीदवार। दिल्ली में सीईसी की बैठक, दिग्विजय जीतू समेत दिग्गजों को लड़ाने पर होगा फैसला। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। जबलपुर बालाघाट छिंदवाड़ा सीट पर मतदान होना है। अब तक प्रदेश की 29 में से 10 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हो पाए हैं। बाकी बची 18 सीटों पर गुरुवार को उम्मीदवार तय होंगे। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 3:30 बजे से सीईसी की बैठक होगी। इसमें प्रदेश की बाकी बची सीटों पर चर्चा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग की सलाह, दिग्गज लड़े चुनाव। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अनौपचारिक बैठक में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एमपी के दिग्गजों को लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा है। दिग्गजों को लड़ाने की बात हुई है। इन सीटों पर दिग्गजों को उतारने का सुझाव सूत्रों ने बताया है कि उमंग सिंघार ने अनौपचारिक चर्चाओं में यह प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इंदौर से, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को गुना से, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को सतना से, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को राजगढ़ से, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को खंडवा या गुना में से किसी एक सीट पर उतारने की मांग रखी गई है। ये नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, मध्य प्रदेश के छह प्रभारी संजय कुलदीप इंदौरा, संजय दत्त, शिव भाटिया मौजूद रहेंगे। संभवतः शुक्रवार को बाकी बची 18 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। इस लोकसभा सीट से अब तक अक्षय कांति बम का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन उमंग सिंघार के प्रस्ताव के बाद जीतू पटवारी के नाम पर नए सिरे से विचार मंथन हो सकता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।